राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पीपल के वृक्ष से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं कि पीपल का वृक्ष कब लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और पीपल की पूजा करने के क्या क्या लाभ हैं, पीपल का पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। इन सारी जानकारी को जानने के लिए मेरा आपसे यह आग्रह है, यह वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, तभी आप अच्छी तरीके से पीपल के पेड़ से जुड़ी समस्त जानकारी को जान पाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीपल को वृक्षों का राजा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश देते हुए कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। शास्त्रों के अनुसार पीपल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से समस्त देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। कहते हैं, पीपल से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब आप अपने आप को चारों ओर से परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करें, आप ये हर काम बिगड़ रहे हों, उस समय आप पीपल की शरण में चले जाएं, उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, उनसे मदद की याचना करें। आप उस समय बाद महसूस करेंगे कि आपके बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम पीपल का एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसमें रविवार को छोड़कर रोज जल देना चाहिए। जैसे जैसे पीपल का पेड़ बढ़ेगा, तैसे तैसे आपके घर के सुख शांति समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, पीपल का वृक्ष अपने घर में ना लगाएं, बल्कि घर से दूर लगाएं। दोस्तों, पीपल की पूजा करने के अनेकों लाभ हैं। नंबर एक, एक मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है और शिवलिंग के प्रतिदिन पूजा करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और उसे समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर दो, यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़कर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह बहुत ही चमत्कारिक फल देने वाला है। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के पेड़ के 11 पत्ते तोड़ें और उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें और फिर उन पत्तों की माला बनाकर उसे प्रभु श्री हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से महावीर हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर उस समय ठहरती हैं। इसलिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, वे पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल पर जल चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाकर धूप दीप से आरती करें, माँ लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र की एक माला करें। इस तरह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता मिलने लगती है और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का भी वरदान प्राप्त है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है, धन धान ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है। नंबर चार, दोस्तों, व्यापार में वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार को पीपल का एक पत्ता लेकर उस पर चंदन से स्वास्तिक बनाकर अपने व्यापारिक स्थल या ऑफिस की गद्दी के नीचे रखना चाहिए। उसे हर शनिवार को बदलकर अलग रखते रहें, ऐसे 7 शनिवार तक लगातार करें। 8वें शनिवार को इन सभी पत्तों को किसी सुनसान जगह पर डाल दें और मन ही मन अपनी आर्थिक उन्नति समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से शीघ्र ही व्यापार में उन्नति होने लगती है और मनुष्य की बदहाली गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नंबर पाँच,
जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष को देखकर उसे प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है और उसके नीचे बैठकर धर्म कार्य करने से व्यक्ति के सारे कार्य पूर्ण होने लगते हैं। नंबर 6, दोस्तों पीपल की पूजा करने का छठवां लाभ ये है कि शनि की साढ़े साथी या शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए व्यक्ति को शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। यदि रोज रविवार को छोड़कर पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति के शनि दोष शांत होते हैं। शनिवार के दिन सुबह गुड़ मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दीप अगरबत्ती जलाकर पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस नियम का पालन करने से पीपल की अदृश्य शक्तियां उस व्यक्ति की सदैव मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी दुख मुसीबत और ग्रह दोषों का प्रभाव शांत होता है। हर शनिवार को पीपल के जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्ट दुख दूर होते हैं। दोस्तों ग्रह दोषों को दूर करने के लिए पीपल से जुड़े अनेक उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल से जुड़े कुछ आसान उपाय ये हैं जिनके करने से व्यक्ति के समस्त ग्रह दोष दूर होते हैं। ये उपाय किसी भी राशि के व्यक्ति कर सकते हैं। पीपल का पेड़ लगाने से उसकी सेवा करने से समस्त प्रकार के पितृ दोष में कमी आती है। शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ की सेवा करने से न केवल पितृ दोष शांत होते हैं बल्कि जीवन की सभी परेशानियां भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। पीपल में प्रतिदिन रविवार को छोड़कर जल चढ़ाने से व्यक्ति की जन्म कुंडली के सभी अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव कम होने लगता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभाव से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों पीपल के वृक्ष की सेवा करने से न केवल व्यक्ति के ग्रह दोष शांत होते हैं बल्कि असाध्य से असाध्य रोगों में भी चमत्कारी लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से ग्रसित है तो वह व्यक्ति प्रतिदिन पीपल की सेवा करके अपने बाएं हाथ से उसकी जड़ छूकर उनसे अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करे तो उस व्यक्ति का रोग शीघ्र ही ठीक हो जाता है। उसके बाद दवाइयां भी तेजी से असर करने लगती हैं। एक अन्य उपाय के अनुसार यदि बीमार व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है तो उस रोगी व्यक्ति के तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखने से व्यक्ति की बीमारी जल्दी ठीक होने लगती है। दोस्तों लास्ट में यह प्रश्न आता है कि हमें पीपल के वृक्ष को काटना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काटता है वह व्यक्ति महान मूर्ख और पापी होता है। उसके पाप के छूटने का कोई उपाय नहीं है। पीपल के पौधे को काटना एक नवजात शिशु की हत्या करने के बराबर होता है। अतः पीपल का वृक्ष कभी नहीं काटना चाहिए। किंतु किसी कारणवश पीपल का पेड़ काटना बहुत जरूरी है तो केवल रविवार को ही पीपल का पेड़ काट सकते हैं और दूसरी जगह एक नए पीपल के पौधे को लगाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत हद तक पेड़ के काटने के दोष से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त रविवार के दिन पीपल के नीचे देवताओं का निवास न होकर दरिद्रता का निवास होता है। अतः रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ज्ञान की गंगा बहाते रहे इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जिससे मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।